इन दिनों बहुत सारे लोग टीवी चैनल ऑन करने से थोड़ा सा कतराते हैं. जो लोग हमें मिलते हैं वो हमें कहते हैं कि जब भी टीवी न्यूज़ देखो यहाँ पर बहस नहीं हो रही होती, झगड़ा हो रहा होता है, लोग लड़ रहे होते हैं, खुश होने की कोई बात नहीं होती, लोग परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, नाइंसाफ़ी की कहानियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें न्यूज़ चैनल्स देखने से थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगी है. लेकिन हमें मालूम है कि इस सबके बीच कुछ लोगों के पास हमारी खुशियों की चाबी भी होती है. और इस साल जिस एक टीम ने हमें बहुत सारी खुशी दी वो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम. वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, बहुत छोटे से फासले से उस खिताब को नहीं जीत पाए, लेकिन तब भी हमें उन पर बहुत बहुत गर्व है. और आज बातचीत के लिए हमारे साथ इस टीम के 3 सदस्य मौजूद हैं. प्लीज़ वेलकम मिताली राज, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. मिताली के बारे में वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, प्लीज़ बैठिए मिताली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये इकलौती भारतीय कप्तान हैं जो पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट को मिलाकर जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं. पुरुषों में भी कोई ये नहीं कर पाया है, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर. दूसरी हमारी आज की जो मेहमान है झूलन गोस्वामी हैं. झूलन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर की तेज़ गेंदबाजों के लिए अपनी हीरो हैं. इनकी हाइट, इनका दबदबा, तमाम लोग इनके कायल हो जाते हैं जहां भी ये मैच खेलने जाती हैं. और तीसरी हमारी मेहमान है पूनम राउत, युवा खिलाड़ी. पूनम ने इस वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया, शायद हार की बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पूनम को हुई. तो सफ़र महिला क्रिकेटर का लंबा होता है और ये तीनों चेहरे जो आज हमारे साथ हैं ये बदलाव लाने में इस वक्त जो महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं उनमें से एक है. मिताली, आपसे शुरू करूंगी मैं. 18 साल से आप क्रिकेट खेल रही हैं और 18 साल में आपने इस गेम को अलग अलग तरह से बदलाव से गुजरते देखा होगा. 2 वर्ल्ड कप आपने फाइनल खेले, क्या फ़र्क था उस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में? क्योंकि इस बार हमने देखा लोग इमोशनल हो रहे थे, जगह जगह टीवी ऑन था, आपके लिए तालियां बज रही थी, आपको खुद को कैसा लग रहा था? वेल 2005 जो वर्ल्ड कप था वो हम लोग उस वक्त एक अलग बोर्ड के अंडर थे, वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. और 2007 में ही हम लोग BCCI के अम्ब्रेला में आए हैं. जो दो फ़र्क है इन दोनों वर्ल्ड कप में ये है कि 2005 में मैचेस टेलीवाइज नहीं थे. इवन जो फाइनल्स हम खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच भी टेलीवाइज नहीं था. और उन दिनों तो सोशल मीडिया तो शायद सिर्फ FB होगा, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था. तो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग उस वर्ल्ड कप को प्रमोट नहीं कर पाए. लेकिन इस बार ICC BCCI ने बहुत अच्छा मार्केटिंग किया वर्ल्ड कप का. और जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया ट्विटर पे, यहाँ तक कि हम लोग जब मुझे पता चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है तो ये बहुत गर्व की बात थी हम सब के लिए, हमारे सारे प्लेयर्स के लिए. क्योंकि बहुत ही कम ऐसे टाइम आता है लाइफ में कि आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जैसे लोग आपको ट्वीट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं आपके मैचेस. और आई थिंक बेसिकली क्योंकि मैचेस टेलीवाइज थे, लोग देखने लगे, तो लोगों की खुद की एक ओपिनियन बन रही थी वुमेन्स क्रिकेट को देख के. और आई थिंक आज तक लोग काफ़ी मेन्स क्रिकेट को देख देख के सडनली वुमेन्स क्रिकेट को देखने लगे, तो वो चेंज, वो बदलाव जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है वुमेन्स क्रिकेट के लिए. मतलब टीवी पर जब क्रिकेट आया वुमेन्स क्रिकेट तब सब कुछ बदल गया. झूलन, आपने भी 4 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, 2 फाइनल भी खेले हैं, इस बार ऐसा क्या हो रहा था, क्या चल रहा था लोगों के बीच और क्या उसका असर टीम में भी हो रहा था? देखिए प्रेशर तो था ही बहुत, वर्ल्ड कप खेलने जाना प्रेशर तो रहता है. हम लोग जैसे लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप मतलब इंक्लूडिंग T20 ऑल्सो हम लोगों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया. एंड मिताली और मेरे हमेशा डिस्कशन ही होते थे हमें वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना, वर्ल्ड कप
जैसे इवेंट में अच्छा खेलना, क्योंकि हम लोग अपने न्यू जनरेशन के सामने अच्छे एग्जाम्पल सेट करें, ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कशन करते गए। बट इस वर्ल्ड कप में भी यही था हम लोगों की, जो हम लोग अच्छा करेंगे एंड मैच बाय मैच खेलेंगे, एंड जैसे हम जीतते जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा। सो आई थिंक इस बार टीम का एक एज ए टीम परफॉर्मेंस किया, कोई एक इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया। अर्ली क्या होते थे, मिताली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते थे, एवरी मैच यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते थे या बिग रन्स नहीं होते थे। बट इस बार हम लोगों ने सबने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था बहुत अच्छा तरीका से हम लोगों ने हैंडल किया। एंड इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा अभी तक, सब ने इन अ डे परफॉर्मेंस किया। वन डे मिताली परफॉर्म, वन डे पूनम परफॉर्म, एक दिन हरमन ने परफॉर्म किया, स्मृति मंदाना ने वर्ल्ड कप का मतलब जो मोमेंटम था वो बना दिया। बॉलिंग्स में भी सेम हुआ, एक दिन मैंने परफॉर्म की, एक दिन कोई और ने परफॉर्म किया, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते गए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। एंड जब टीम आप जीतते रहते हो तो एक माहौल अच्छा क्रिएट होता है, एंड सेकेंडली हम लोग एक दूसरे का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है टीम स्पोर्ट्स में। बेसिकली आप जब तक एक दूसरे का परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं करोगे तो आप अच्छा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक इसमें सपोर्ट स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है, सपोर्ट स्टाफ ने भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का हैंडल किया। एंड जब झूलन फैंस आते थे तो क्या क्या बोलते थे आपको? बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ। वो लोगों की एक ही बात थी, जीतना है। एंड बेसिकली इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन तो ऐसा था, जो हम लोग ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड तक जा नहीं पा रहे थे, इतना फैन एक साइड पाकिस्तान के है एक साइड इंडिया का है। बट उसमें एक चीज़ अच्छा लगा, जब हम लोग मैच जीते पाकिस्तान फैन आके हम लोगों को बोल रहे, आप लोगों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, हम लोग बहुत मतलब प्राउड फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो वो अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि एज ए मतलब टीम हम लोगों ने परफॉर्मेंस की एंड सबने अप्रिशिएट किया, एक्सपेक्टेशन बढ़ते गए। बट हमें पता था हम लोगों को अच्छा, जब तक मतलब जितना लंबा है उस पैन को लंबा कर सकते, क्योंकि जिस दिन अच्छा नहीं करोगे तो सब क्रिटिसाइज करेंगे, हम लोगों को भी ये भी पता था। बट हम लोग मैच बाय मैच एनालाइज करते गए और खेलते गए आगे। पूनम, आपने 86 रन्स बनाए फाइनल में ओपनिंग करते हुए, आपको यह उम्मीद होगी वो रन बनाते हुए कि ये मैच जीतना ही जीतना है, लेकिन वो नहीं हो पाया और आपने मुझे पता है सॉरी बोला उसके बाद इंडियन फैंस को। लेकिन जब आप वापस आई तो सब लोग गार्लैंड लेके, फूलमालाएँ सब लेके आपके लिए खड़े थे, तो वो दुख थोड़ा कम हो गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब सोचा नहीं था कभी ऐसे होगा, क्योंकि हम जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तभी एक्चुअली पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इंडिया में, लेकिन काफ़ी लोगों से सुन रहे थे और मम्मी डैडी से भी सुन रही थी कि स्क्रीन लगे हुए आपके मैचेस देखने के लिए, और काफ़ी लोग बहुत खुश है। जब हमने पाकिस्तान को हमने हराया, तब मतलब काफ़ी लोग वही बोलते हैं कि आपने पाकिस्तान को हराया, हम वहाँ पर ही वर्ल्ड कप जीत गए, तो ये सब सुनने को मिल रहा था। जब मैं चली गई मतलब लोग लिटरली पागल हो रहे थे, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो उसी दुख में थी जो मतलब मैं रन नहीं कर पाई, 9 रन बचे थे और जब मैं आउट हो गई कुछ 38 रन बच गए थे, तो मैं बस उसी में चल रही थी। जब मैं घर पहुंची और लोगों का इतना प्यार देख के, मतलब मैं एक टाइम पे इमोशनल हो गई, मतलब बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। लेकिन जो मैच फाइनल मैच था, उसी से काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने सीखी। इनफैक्ट मेरे टीम ने भी, मतलब हम बहुत कुछ सीखे, क्योंकि हम पहली बार फाइनल मैच, जैसे सीनियर्स मिताली दी और झूलन दी, मतलब उन्होंने सेकेंड टाइम खेला, और हम बाकी के जो लोग थे, प्लेयर्स थे, हमने पहली बार फाइनल फेस किया था। जो भी एटमॉस्फेयर था, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हमने तभी रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे कि हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हमारे हाथ में था सिर्फ हमें एफर्ट्स देने, हम जितने 100 से ज़्यादा जितना हम एफर्ट्स दे सकते हैं हम देंगे। ये सब कुछ नहीं पता था कि बोरीवली में शामियाना टेंट लगा के सब लोग मैच देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पता था? नहीं, मम्मी पापा ने जस्ट आइडिया दिया था कि स्क्रीन लगे हुए, बस उतना ही पता था, लेकिन मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि फाइनल मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट गेम था हमारे लिए, क्योंकि फाइनल से बहुत कुछ चेंज होने वाला था वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए। इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट
हम जहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड है वहाँ से पता चलने वाली थी कि हम फाइनल में कैसे खेल रहे हैं. तो जस्ट फोकस हम फाइनल पे कर रहे थे. और उसके बाद जब मैं घर पे गई तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं सपने में देख रही हूँ. अच्छा मिताली, आपके लिए ये सपना नहीं था, आपको असलियत सब पता होती है कि एक एक मैच कैसे जीता जा रहा है, क्या हो रहा है. लेकिन यहाँ पर जितने लोग बात कर रहे थे मीडिया में या जनरली भी एक्सपर्ट्स, उनका सबका ये कहना था कि मिताली इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री. अगर वो ये कर लेगी तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा. आपको भी ये पता होगा, इसलिए शायद सबसे ज़्यादा आपको हर्ट किया होगा. नहीं, मेरे लिए वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे लगा कि ये टीम बहुत अच्छी क्वालिटी टीम है. और जो हमने प्रिपरेशन किए वर्ल्ड कप के पहले, जितने भी मैचेस खेले हैं क्वालिफायर्स और साउथ अफ्रीका में, एज अ टीम सारे लड़कियां फॉर्म में थी, मोमेंटम हमने बनाया है. और जिस तरीके से हमने शुरू किया था वर्ल्ड कप, काफ़ी अच्छा रहा है. एंड फिर उम्मीद थी कि हम लोग सेमीफाइनल ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल्स के बाद जो है एक अच्छा दिन, अगर हम लोग अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम लोग फाइनल्स आ सकते हैं. एंड फिर हम एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो प्लेटफॉर्म ICC और BCCI ने दिया है हमारे लिए, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है. अगर लोग देख रहे हैं तो हमेशा आपकी बेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि एज अ प्लेयर भी आपको मोटिवेशन मिलेगा. दूसरा ये कि एज अ स्पोर्ट इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको एक ब्रांड बना सकते हैं. और वो तभी हो सकता है जब आप जीतेंगे मैचेस, जब आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, जब लोग देख रहे हैं. तो इस ये वर्ल्ड कप मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं आगे की जो वुमेन्स क्रिकेट है, फ्यूचर जो है, ये वर्ल्ड कप उसको बना सकता है. इसलिए मेरे लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इम्पोर्टेंट था. अभी T20 वर्ल्ड कप बाकी है जीतने के लिए. T20 में तो क्योंकि जिस तरीके से टीम ने वनडे में खेला है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत उम्मीदें रखेंगे T20 में कि टीम ऐसे ही परफॉर्म करे. झूलन, आपने इस वर्ल्ड कप के बाद ये कहा कि जब तक इंडियन वुमेन्स टीम एक ICC इवेंट नहीं जीतेगी तब तक आपको चोट कहीं ना कहीं दिल में रहेगी, और उसका मौका अभी है. हालांकि आपने ये भी कहा है कि आप 34 साल की हैं और अगले वर्ल्ड कप में आपको श्योर नहीं है कि होंगी या नहीं, लेकिन ये है कि ICC का एक इवेंट आप अभी भी जीतने की कोशिश पूरी करेंगी. देखिए, वर्ल्ड कप तो एक ही बार आता है, मतलब 4 साल में एक बार आता है. एंड 4 साल में बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता हम कहाँ पे रहेंगे 4 साल के बाद. बट हाँ, एक चीज़ है, मीडियम पेसर्स को उतना दिन फिट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो इतना लंबा फ्यूचर का प्लान इस प्लेटफॉर्म में रह के मैं बोल नहीं सकती. बट यस, T20 वर्ल्ड कप एक सामने गोल है, कॉमन गोल है हम सबके लिए. तो एज अ टीम कोशिश करेंगे हम लोग इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप भी हम लोग जब फाइनल खेलते हुए आए थे तो बहुत बुरा लगा था, अपसेट थे. बट दैट मैच वॉज वन साइडेड एंड मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कप खेल रही थी, और थोड़ी दिन में फिर भूलते गए, काफ़ी कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते गए, तो इतना इम्पैक्ट नहीं था. बट इस वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था मेरे दिल में, क्योंकि मैच सबने देखा, सबको पता है उस सिचुएशन से मैच हारना मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे आप एक्सप्लेन, क्योंकि उस जगह पे हम लोग हार नहीं सकते. एंड उसके बाद यही है, जब तक हम लोग, क्योंकि मेरा एक ड्रीम रहा हमेशा जो वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि टीम स्पोर्ट्स है, यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत कम मैटर करते. एंड ऑफ द डे पूछा जाता है मिताली हारे या पूनम हारे या झूलन हारे, वो नहीं पूछते. एंड ऑफ द डे पूछा जाता है कौन हारे, इंडिया हारे, वो मुझे बहुत चुभता है. तो इसलिए मेरा यही था, जो वर्ल्ड कप जीतो तो उसी दिन एक बनाओ जो सपना है वो पूरा होगा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप देख के अपने क्रिकेट खेलना शुरू की. तो मेरा माइंड में वही था, विक्ट्री लैप बनाओ, ट्रॉफी लेके किस करते ऊपर उठाना, मैंने यही सब देख के क्रिकेट को मैंने आई ग्रो अप विद दैट. सो यही उम्मीद है, अभी T20 वर्ल्ड कप में हम अच्छा खेले तो वो दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है. एंड वी आर लकी दैट हम लोगों को विद इन ईयर फिर से एक मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके. वो जो ड्रीम है, हम टीम इंटर इंडियन टीम का जो ड्रीम है, वो ड्रीम को हम लोग फिर से चेस कर सकते हैं.
एंड आई बिलीव मतलब इतना भरोसा है इस टीम में क्योंकि बहुत क्वालिटी क्रिकेटर्स है. इन अ डे वो लोग मैच विनर है. एंड हाँ जब तक नौ रन जो है, जब तक अब ICC इवेंट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट जब तक नहीं जीतोगे तब तक वो इस टीम में सब मेंबर्स को 9 रन दिल में तो चुपते रहेगा. बिल्कुल पूनम, आपको भी वो 9 रन तो बहुत ज़्यादा खलते होंगे कि मैंने ही बना दिए होते शायद तो आसान हो जाता. लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर आप अभी से सोचने लग गई हैं, प्लान करने लगी हैं? यस, जब तक अभी नेक्स्ट सीरीज नहीं आता तब तक हम ये 9 रन हम भूल नहीं पाएंगे. सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मतलब T20 वर्ल्ड कप को लेकर हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है. सो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगेन हमें खुद को साबित करने के लिए. सो हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए. अब एक वुमन क्रिकेटर की जो जर्नी होती है मिताली, हम उस पर बात करना चाहेंगे. मैंने जो अपने स्पोर्ट्स कवर करते हुए करियर में देखा है, अब पर्सपेक्टिव बदल रहा है, लेकिन बहुत साल से वुमेन्स क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया करते थे लोग कि ये लोग उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी, क्या देखने में हम इन्जॉय करेंगे. वो आपने भी फील किया है पिछले 15 साल में? जब मैंने शुरू किया था 1992 में, तो बिकॉज मेरी बैकग्राउंड जो है तमिलियन फैमिली से हूँ, साउथ इंडियन, तो मेरी जो कज़न्स हैं सारे एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड हैं. लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्रिकेट एक प्रोफेशन की तौर पे लेने के लिए बोला है, तो जो इमीडिएट नेगेटिविटी जो मैंने फील किया था वो था डेफिनेटली फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूं. और उस दौरान वुमेन्स क्रिकेट जो है एज अ स्पोर्ट भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों पे, क्योंकि उन दिनों क्रिकेट मतलब वो सिर्फ मेंस क्रिकेट होता था. जो भी डिस्कशन क्रिकेट के बारे में होती थी सिर्फ मेंस क्रिकेट तक ही होती थी. तो एज अ किड जो जब मैंने 10 साल में शुरू किया था क्रिकेट, उस वक्त एज अ पर्सन जो मैं वुमेन्स क्रिकेट खेलने लगी हूँ तब भी मुझे पता नहीं था कि हमारा वुमेन्स क्रिकेट टीम है या लेजेंड्स जैसे डायना एडुलजी या शांता रंगास्वामी है. तो एक लेवल के बाद ही मुझे पता चला कि इंडियन टीम है और वो टूर्स करने लगते हैं. तो ये जो फेस था उस वक्त, जो हम लोग ट्रैवल भी करते थे डोमेस्टिक मैचेस खेलने, तो उस वक्त भी जब हमारे लंबे किट बैग्स देखते थे तो लोग यही सोचते कि हॉकी प्लेयर होती, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद क्रिकेटर भी हो सकते हैं, बैट होगा. हाँ, तो और जब उनको पता चलता तो वो बहुत चौंक जाते कि अच्छा लड़कियां भी खेलती हैं क्रिकेट, तो कैसे रूल्स होते हैं, आप टेनिस बॉल से खेलते होंगे क्योंकि आपको लगता होगा बॉल, या आपके जो रूल्स अलग होते होंगे, क्या आप पूरा दिन खेल सकती, उतनी आपके एंड्यूरेंस हैं क्या. तो ये जो सवाल थे, चुपती थी क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं थी. पर अभी जो है वो चेंज हो गई है, जो अभी पर्सपेक्टिव है लोगों की, जैसे वो वुमेन्स क्रिकेट देखते हैं तो उनको वो ऐसे बोलते हैं कि आप लोग मेंस क्रिकेट के बराबर खेलते हैं. तो वहाँ से जर्नी यहाँ तक काफ़ी स्ट्रगल्स थी, पर आई एम जस्ट फॉर्चुनेट कि मैं ये दिन भी देख रही हूँ जहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट को अप्रिशिएट किया जा रहा है. और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं ये भी बता दूं कि मिताली ने वुमेन्स क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट झूलन के नाम है, 195. अच्छा झूलन, आपकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो ये कि आप बचपन में, आप फास्ट बॉलर कैसे बनी? झूलन बचपन में क्या करती थी, जब इनके कजन्स क्रिकेट खेलते थे तो बॉल जब बाहर चली जाती थी तो इनको उठा के लाने की ड्यूटी मिलती थी. उनको ये नहीं पता था उस टाइम कि ये एक्चुअली दुनिया की फास्टेस्ट बॉलर, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली, सबसे बड़ी स्टार बन जाएंगी वो बॉल उठाते उठाते. सही है ना झूलन, यही स्टोरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल. क्या होता था? अच्छा वहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुँच गई फिर? देखिए मैं मेरा बचपन मेरा कज़न मेरा आंटी के घर पे मैंने ज़्यादा टाइम बिताई. एंड ऑब्वियसली इतना छोटे थे आप तो आपको चांस नहीं मिलते थे, तो आपको अगर कोई इवेंट के साथ जुड़ना है तो ये सब छोटे मोटे काम करना पड़ता था. और उसमें एक ऑप्शन था बॉल गर्ल बनने का, क्योंकि हम लोग जब बैक यार्ड में खेलते थे बॉल हमेशा बाउंड्री के बाहर जाते थे, और लेने के लिए ये बोलते तू लेके आ, वो बोलते तू लेके आ, मैं बोलते रुक जाओ भैया हम जाते हैं. तो इस मौके में मुझे बॉल छूने को मिलता था, दैट वॉज अ थिंग. एंड उसके बाद जब उनके कोई प्लेयर्स नहीं आते थे तो स्टॉप गैप के मेरे को बोलता अच्छा ठीक है एक ओवर के लिए तू खड़ी रहे वहीं पे, बॉल मत पकड़ना लग जाएगी.
सो स्लोली स्लोली मेरा इंटरेस्ट वहीं पे डेवलप होते गए एंड घर पे एक माहौल था स्पोर्ट्स को, मतलब मेरा घर पे नहीं, आंटी के घर पे स्पोर्ट्स देखते रहते थे, कोई इतना प्रोफेशनल नहीं था क्योंकि गांव में उतना स्पोर्ट्स के पर्टिकुलरली क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाते थे। बेसिकली वहाँ पे फुटबॉल बहुत खेलते थे लोग या वॉलीबॉल खेलते क्योंकि एक्सपेंसिव थोड़ा कम है, बाकी स्पोर्ट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है तो बाकी लोग खेल नहीं पाते थे इतना। एंड सेकेंडली लाइक 90 वर्ल्ड कप मेरे को अभी भी याद है, घर पे सारे, तब टीवी इतना नहीं होते थे गाँव में, तो आंटी के घर पे सब बैठे हुए अर्जेंटीना वर्सेस वेस्ट जर्मनी का मैच देख रहे, एंड जैसे अर्जेंटीना हार गए घर में सब रोने लग गए मैराडोना के वजह से। एक्चुअली स्पोर्ट्स का जो फीलिंग्स है, वो जो जुनून है, वो पैशन है, मेरे को वहीं से स्टार्ट हुआ। फुटबॉल से भी आपको बहुत प्यार है क्योंकि मैंने सुना है आप सब जगह मैराडोना मैराडोना लिखती थी, जब भी प्रैक्टिस करना होता था पेन से तो आप मैराडोना लिखती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट आइकॉनिक हीरो मैंने टीवी पे देखा हुआ है डिएगो मैराडोना, एंड मैं ही सोचती थी यार क्या पर्सन है यार, अर्जेंटीना जैसे कंट्री कितना दूर है अपने देश से, बट अर्जेंटीना हार गया यार घर पर सब रो रहे, दैट इम्पैक्ट एज ए यंग किड आपको ऊपर आए। एंड 1997 में मैं फर्स्ट टाइम वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल देखी थी कैलकाटा में ईडन गार्डन्स में, एंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड वहाँ पे बेलिंडा क्लार्क फिस पैट्रिक ये लोग सब खेले थे उस वर्ल्ड कप में, मतलब दे वॉन द वर्ल्ड कप ऑल्सो। तो फर्स्ट टाइम देखने के बाद मैं रियलाइज की जो अगर मैं स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशनली स्टार्ट करूं तो वन डे आई माइट प्ले फॉर एटलीस्ट वन मैच फॉर माय कंट्री, दैट वाज माय ड्रीम। एंड जब मैं कलकत्ता आई चकदा से तो मैंने मेरे कोच को जाके बताया सर मैं बैटिंग भी करती हूँ बॉलिंग भी करती हूँ, मैं बॉलिंग करती हूँ बैटिंग नहीं बोला था, मैं बैटिंग भी करती हूँ बॉलिंग भी करती हूँ क्योंकि मुझे बैटिंग करना ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने फर्स्टली मेरे को बॉल देकर बोला पांच बैट्समैन को बॉल डाल के दिखाओ, मैंने पांच बैट्समैन, हम तो टेनिस बॉल पे एक बैट्समैन की बॉल डालते हैं, छह बॉल की एक बॉल ओवर होता है। तो मैंने जब बॉल डाली उनको मेरा एक्शन मेरा हाइट ये सब बहुत पसंद आया, बाद में उन्होंने बताया, उस टाइम बताया नहीं। तो मैंने एक महीना ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए बट एक दिन भी बैटिंग नहीं मिला, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। बट फिर जब पता चला जो बॉलिंग ही इंपॉर्टेंट हो गए लाइफ में तो बस शुरू हो गया हर उसके ऊपर स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते गई। बट सर ने बताया जो मैंने अपने कोचिंग करियर में मेंस हो या वुमेन्स हो जितना भी मैंने कोचिंग करवाया इतना अच्छा एक्शन मेरे को बॉलिंग एक्शन नहीं मिला था किसी के पास जो इतना स्मूथ हो जिसका हाइट भी अच्छे हो। सो इसलिए मैं नहीं चाहती थी आपका जो नेचुरल जो टैलेंट है उसको मैं स्पॉइल करके अब कोई और जगह में बिल्कुल तमाम चीज़ें परफेक्ट हो गई। तो उनका कॉल था एक्चुअली जी पूनम, सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना लाइफ में, और आपने भी बहुत मुश्किल चाइल्डहुड देखा है, आप चौल में भी रहे हैं, मैंने ये भी पढ़ा है कि आपके पापा ने पैसे उधार लेकर आपके लिए पहली किट ली थी जब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी थी, और आज ऐसा है कि आप अपने पापा से कहती हैं कि काम वाम छोड़ो आई विल टेक केयर ऑफ यू, है ना? यस, काफ़ी स्ट्रगल था, मतलब एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया। बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था मुझे, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्रिकेट खेलना है, मुझे बस पसंद था क्रिकेट खेलना, मैंने बस उनको बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, लेकिन उन्होंने जब बताया कि अगर खेलना है तो पूरा खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दो साल बाद आप बोलोगे अभी मुझे बोर हो रहा है अभी नहीं खेलना है, तो ऐसे नहीं चलेगा, अगर खेलना है तो लास्ट तक खेलो वरना मत खेलो, पढ़ाई करो। सो मैंने तभी उनको कमिट करा कि नहीं मैं पूरा खेलूंगी, जितना हो सके मैं मतलब पूरा क्रिकेट को दूंगी। लेकिन जो मेरी मतलब फैमिली की जो बैकग्राउंड थी, मतलब मम्मी पापा कितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी। लेकिन तब पापा ने उधार लेके पैसे लिए थे, मुझे अभी मतलब वर्ल्ड कप से आने के बाद पता चली ये स्टोरी, तब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कभी मुझे ये बताया नहीं था। लेकिन उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा, क्रिकेट खेलना मतलब मेरा पैशन रहा था, लेकिन इंडिया के लिए खेलना उनका सपना ज़्यादा था, मम्मी डैडी का कि मैं इंडिया खेलूं। लेकिन जब पापा का हमेशा इतना सपोर्ट, एक्चुअली मैं पापा से बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ डेली, उनका मतलब वो इतना मेरे लिए करते हैं, मतलब कभी उन्होंने मुझे कहा नहीं कि आप
घर में भी ध्यान दो, आप यही करो वही, कभी मुझे उन्होंने फोर्स नहीं करा, आप बस क्रिकेट खेलो. वो हमेशा कहते हैं कि आप बस क्रिकेट खेलो, जो भी है हम कर लेंगे आपका. लेकिन इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ हमेशा. और आई थिंक पूनम के पापा के लिए हमको क्लैप करना चाहिए. और ऐसे मम्मी पापा मिलना मतलब बहुत भाग्य की बात होती है, ऐसे मम्मी पापा मुझे मिले. और आज भी वो उतना ही करते हैं जैसे कि मैं उनकी छोटी बच्ची हूँ, उतना ही सब कुछ करते हैं मेरे लिए. तो बहुत अच्छा लगता है. और मैं चाहती हूँ कि आगे का जो भी क्रिकेट है मैं उनके लिए खेलूँ. और आप ये भी चाहेंगे कि सबके पेरेंट्स ऐसे हों? यस यस. मिताली, आपने 10 साल में ट्रेनिंग शुरू की और आपको जितनी टफ ट्रेनिंग कराई आपके पापा ने, आपको कई बार तकलीफ भी होती थी, आप नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज आप पछताती नहीं है ना? डैड एयरफोर्स से, एयरफोर्स बैकग्राउंड है डैड की, तो काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते थे घर पे. लेकिन इनिशियली मुझे काफ़ी वक्त लगा कि मैं क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट एक्सेप्ट करूं. बेसिकली मेरे डैड चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं, मम्मी चाहती थी कि मैं डांसर बनूं. तो लेकिन जब डिसीशन लेने की टाइम आई थी, क्योंकि मैंने दोनों साथ साथ कर रही थी स्कूल के टाइम पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी कि दोनों को साथ में जस्टिफाई कर पाऊँगी. तो इसलिए जब डिसीशन लिया तो मैं क्रिकेट में ऑलरेडी इंडियन टीम की रैंकिंग में थी, तो इसलिए मैंने क्रिकेट चूज़ किया. पर तब भी मैं सिर्फ क्रिकेट डैड के लिए खेलती थी. और लेकिन अभी जब मैं सोचती हूँ, जब मैं उनसे बात होती है मेरी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि मुझे क्रिकेट में डाला है, कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट किया है कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन बनूँ, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करूँ इस वर्ल्ड में. और ये उनके वजह से, ये उनकी डिसीशन थी कि मैं क्रिकेटर बनूँ. तो आई थिंक ऑब्वियसली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं डांसर नहीं बन पाई, पर ये कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड फुलफिल माय डैड्स ड्रीम. आइडेंटिटी की बात की मिताली ने, आइडेंटिटी को लेकर एक छोटी सी जो प्रॉब्लम थी अभी जब वर्ल्ड कप चल रहा था, अभी ट्विटर पर तो ट्रेंड किया बैट लाइक अ गर्ल, आपने भी देखा होगा कि अगर आप बैटिंग करें तो लड़की की तरह करें, जो बहुत कम कहते हैं लोग. लेकिन एक चीज़ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी कि आप लोगों को बार बार लेडी विराट, लेडी सहवाग, लेडी सो एंड सो कहा जाता था, जिसको बहुत क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा. बट आई वुड वॉन्ट टू नो कि आपका क्या ओपिनियन है. जुलन, आपको कैसा लगता है, आपको कोई बोले लेडी शोएब अख्तर? अभी तक वो बताया नहीं. एक्चुअली आई प्रेफर माई खुद का आइडेंटिटी. मैं स्पोर्ट्स को जेंडर बायस की तरफ नहीं देखती हूँ हमेशा. स्पोर्ट्स इज वन गेम जहाँ पे कोई भी खेल सकते, एंड इतना तो सबके पास इतना पैशन होना चाहिए जो आप जो भी काम करें उस काम के साथ आप जुड़ जाए. एंड उसमें अगर जेंडर बायस आप करते रहो, जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करते रहोगे, तो फिर आई डोंट थिंक सो हम लोग कहीं पे भी नहीं रह सकते. एंड जब मैं इन्हें क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बहुत जगह से ऐसे टोन मिलते रहते थे, क्योंकि मैं आई एस टू ट्रैवल 60-65 किलोमीटर्स इन वन साइड बाय लोकल ट्रेन. तो जब सुनते थे, मॉर्निंग आती थी सुबह, तो काफ़ी लोग सुनते थे जो क्या करते हो आप इतना सुबह, कहाँ जा रहे हो अकेली अकेली. तो मैं बोलती थी मैं क्रिकेट सीखने जाती हूँ, तो लोगों का चेहरा ही डिफरेंट हो जाते थे. लोग बोलते थे क्रिकेट लड़कियाँ, ऐसे सोच था, अभी भी है शायद, अभी शायद चेंज हो रहा है. बट आई बिलीव दैट हम लोगों को समाज में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. हम हर चीज़ को लड़का और लड़की में डिवाइड कर देता है. जैसे स्कूल में अगर कोई फर्स्ट हुआ तो वो लड़कों में फर्स्ट हुआ और ये लड़की में फर्स्ट हुआ. आई डोंट थिंक सो हम लोग कभी बोलते हैं जो ये फर्स्ट हुआ. आई थिंक वो चेंज होना चाहिए. एंड 21st सेंचुरी में आके आज भी हम लोग अपना एज ए वुमेन, हम लोग अपना खुद का आइडेंटिटी के लिए लड़ते, आइडेंटिटी के लिए हम लोग झगड़ते रहते हैं. एंड सेकेंडली 365 डेज में एक ही दिन वुमेन्स डे माना जाता है, सबसे दुख की बात है. तो मैं इसलिए बोलती हूँ हमेशा सबको, जो स्पोर्ट्स को आप कंपेयर मत करो, मेन्स एंड वुमेन्स में कंपेयर मत करो. स्पोर्ट्स एक ही है एंड उसमें सबको पार्टिसिपेट करने का इक्वली हक है.
सो दैट्स माय ओपिनियन एंड मैं अपना आइडेंटिटी खुद बनना चाहती हूँ. मैं जैसे मिताली ने बोले जो उसने पापा के वजह से उसने एक खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने जो आइडेंटिटी क्रिएट किया, आई थिंक हम सब में इंडिविजुअली हम लोगों ने अपना आइडेंटिटी खुद ने बनाए. मिताली अभी तक आई एम श्योर आप ऐसा ही सोचती थी, लेकिन अब मिताली क्या सोचती है क्या बोलती है वो सबको पता होता है. और ऐसा ही एक सवाल आपसे पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है, तो आपका जवाब क्या था? मुझे ऐसा लगा कि वो प्लेटफॉर्म नहीं था वो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब आप वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं इट मेड यू फील स्मॉल. इट मेड मी फील दैट यू नो इट मेड मी फील एज अ वर्ल्ड कप वाज इररिलेवेंट फॉर हिम द वुमेन्स वर्ल्ड कप. एंड वो इतनी बड़ी स्टेज नहीं है उस प्रेस रिपोर्टर के लिए, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछा. तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर मेन्स वर्ल्ड कप होता तो आप ये क्वेश्चन मेन क्रिकेटर को पूछते? तो आई फेल्ट इट वॉज एज यू मैंशनड कि एक प्लेयर को बहुत एक वुमेन क्रिकेटर को बहुत छोटा महसूस किया गया था. पर अदरवाइज आई थिंक इट देर वॉज नथिंग बैड इन द क्वेश्चन, लेकिन सबके अपने फेवरेट्स होते हैं. लेकिन एक और चीज़ भी है कि महिलाओं को बहुत ऑब्जेक्टिफाई आज भी किया जाता है, जो हम लगातार फील करते हैं. और सोशल मीडिया में भी मैंने अभी आपका एक ट्वीट देखा था जो किसी ने आपको ट्वीट किया स्वेट पैच के ऊपर, और आपने उसका बेबाक तरीके से जवाब दिया जिसकी ज़रूरत थी. आई थिंक वुमेन को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है हर चीज़ के लिए. एंड जैसे जुलन ने बोला है कि जो समानता है जो इक्वालिटी है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, वेदर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या ना हो. एंड सोशल मीडिया इज समथिंग कि ओके अगर मैंने वो पोस्ट किया है आई थिंक पीपल शुड सी हु इज पार्ट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि उसमें एक्स कैप्टन थी इंडिया की, दो एक करंट इंडिया प्लेयर्स थे. तो रैदर देन अप्रिशिएटिंग देम बींग पार्ट ऑफ द पिक्चर, लोग ये देखते हैं कि कौन सा ड्रेस पहना गया है, वेदर इट इज़ सूटिंग हर और नॉट. और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं ग्राउंड पे हूँ दो टू आवर्स के लिए, इट इज़ बट ऑब्वियस एज अ ह्यूमन आई विल स्वेट. और अगर मैं उसको यू नो छुपा रही हूँ दैट मीन्स आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ, और आई एम नॉट प्रमोटिंग यू नो द रियलिटी ऑफ ह्यूमन ह्यूमैनिटी यू नो. क्योंकि अगर मैं स्वेट नहीं होती तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग रॉन्ग विथ मी, क्योंकि आई एम श्योर सबको पता है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ यू नो स्वेटिंग एंड एवरीबडी स्वेट्स एवरीबडी डज, सो इट इज़ नथिंग न्यू. लेकिन शायद उस इंसान को वही सबसे ज़्यादा दिखा होगा उस पिक्चर में, एंड इट शोज़ कि वॉट ही इंटेंड टू सी and not the other good things about the picture. जी लगातार एग्जाम्पल सेट कर रही हैं मिताली झूलन पूनम. जब भी आपके हीरोज़ होते हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है उनसे, लेकिन कई बार ये जो बदलाव आ रहा होता है झूलन ये सरहद के उस पार भी आ रहा होता है. इससे रिलेटेड एक स्टोरी हमने देखी कि कायनात इम्तियाज़ पाकिस्तान की फास्ट बॉलर हैं जिनकी हीरो झूलन है, और मैच के बाद या मैच से पहले वो झूलन से मिलने आई कि मेरी लाइफ में जो चेंज आया जो मैंने डिसीजन लिया फास्ट बॉलर बनने का वो आपको देख कर लिया. एक्चुअली हम लोग 2005 में एशिया कप खेलने गए थे पाकिस्तान कराची में, एंड फाइनल मैच में शी वॉज अ बॉल पिकर एंड मुझे पता भी नहीं था. एंड इस वर्ल्ड कप में हम लोग मैच खेले एंड मैच वाज वेरी टेंस था एंड मैच जीते हम लोग. एंड जीतने के बाद मैं जब ड्रेसिंग रूम पे आ रही थी तो एक लड़की आई मेरे पास, एंड जनरली बहुत कम होता है मतलब इमीडिएट मैच हारने के बाद आप ऑपोजिशन के साथ बात करते हो, थोड़ा टाइम लेता है बट होटल में जाके फिर बात करते हैं. बट एकदम से वो लड़की आई मेरे पास, तो मैं लगा मैंने कुछ बोली उसको या किसी को कुछ बोल दी होगा मैच पे, हाँ शायद उसने बोलने आया दीदी आपको कोई बुला रहा है जरा चुप रहा करो ज़्यादा मत बोला करो. तो मैं ये सोच रही थी, फिर उन्होंने आके बताया मैं आपसे दो मिनट बात कर सकती हूँ हमें बताइए. फिर मैंने सोचा मे बी शी वॉज अ फर्स्ट बॉलर मेरे से कुछ चीज़ बात करना चाहती है. बोला नहीं आपने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप, मैंने क्या किया? मुझे एक्चुअली मैं डर गई थी उस टाइम. मैंने बोले सब ठीक है ना. देन
उसने बताया जो आप 2005 पे जब एशिया कप खेलने आए थे, तो हम मैं स्कूल गर्ल थी उस टाइम एंड हम लोगों को ड्यूटी मिला था बॉल पिकर की। एंड उसके बाद अब जब आप बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे, आप इतने लंबे थे, इतना तेज बॉल डाल रहे हो, वो देख कर मुझे मोटिवेशन मिले क्रिकेट खेलने का, फास्ट बॉलर बनने का। जब मैं घर वालों को बताई तो आपके सारे वीडियो देखा है उन सबको, उन्होंने फिर मुझे इनक्रेज किया क्रिकेट खेलने के लिए। एंड उनके रिलीजन्स में बहुत दिक्कत आती थी, तो घर वालों में भी उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बट स्टिल उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया। एंड वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला ये स्टोरी है, हाँ क्या बात कर रहे हो, बोल दैट्स आई, आफ्टर दैट आई फील दैट यस, मैंने कुछ अच्छा काम तो कहीं ना कहीं तो किया। जो जिस दो देशों में इतना ज़्यादा टेंशन रहता है हमेशा, और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स पर्सन ऑपोजिशन टीम की एक लड़की को बोल रहे तुम मेरी हीरो हो, या मैं आपको देख के अपने क्रिकेट खेलना शुरू की, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सो फार। इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी एक अलग तरह की। हम आगे बढ़ते, समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं यहाँ से और कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो लेना चाहूँगी। यस माइक। Yeah, this was a really interesting conversation and we are great fans of yours, all three of you. I'm heading a school where my girls play cricket and football and they have always made it up to the nationals. I would like to know whether there was a teacher, a coach in your life that you can never, you know, say enough thanks to, Mithali, whom you would like to recall. We're very close to Teacher's Day, 5th September. Someone who can be an inspiration for all the girls who are watching this program, especially the school girls who are passionate about cricket. Well, I have two people to thank. Definitely my school, because when I started playing cricket, I was in the 5th standard. And because of my class teacher, unhone mujhe bola hai ki, why do you play for a different club? Our own school has a school team. तो आई एनरोल्ड माई सेल्फ एंड तब से मेरे जो स्कूल है दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई हैव मिस्ड एग्जाम्स एंड दे यूज टू गिव मी एग्जाम्स इन द समर वेकेशन, आई यूज टू सिट फॉर एग्जाम्स इन द समर वेकेशन। सो द वे दे हैव सपोर्टेड मी, इफ नॉट फॉर दैट मे बी आई वुड हैव स्ट्रगल्ड इवन मोर ड्यूरिंग दोज पीरियड। एंड आई मेट माई कोच लेट संपत कुमार, ही वॉज द वन हु कोच्ड मी फ्रॉम द बिगनिंग and he was a very tough taskmaster, and but unfortunately he wasn't alive when I first made my debut for the country. He expired before I could actually show him that, you know, I'm wearing India colors, his student is going to represent India. That was quite an emotional thing for me. He's one of them who created the foundation for me as a player that I am today. He promised my parents that I would represent India by the age of 14 years. I almost did. I was the first standby for the 97 World Cup. And because they thought I was too young to absorb the World Cup pressure, so they made me the first standby. And there were a lot of times where he was very strict. I can relate a number of instances which molded me into a very strong player, that I could play my peak, the peak of my career, with a lot of injuries, and I could do that because he made sure ki whenever during the training session, if I had any injuries, a lot of time hum log kehte hain ki acha lag gaya to you rest for 2-3 days. He never allowed me to rest. He said you continue playing with the injury, kyunki jab India ko tumhari zarurat hogi and you're injured, you should still be able to take on the field. And I think that is something has always been with me. And in spite of a lot of injuries, I think I've never missed a match playing for my country. वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ माइक दे दीजिए प्लीज, एक सवाल इधर से। Hi, I would like to know from all three of you, did you guys ever face any challenges from your male counterparts? I mean, were you ever made feel inferior to them in any manner or not equal to them? Or did anybody make you feel like that?
आई थिंक मैं ट्रेन में काफ़ी बार ऐसे लोगों से मिली थी, मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज लोगों से मिली थी एंड काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बताया, बोला है कि वो आप क्रिकेट खेल रहे हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, गो बैक होम. नहीं, मेल क्रिकेटर्स बहुत सपोर्टिव है जितना भी हम लोग मिले एन सी ए में, बिकॉज काफ़ी टाइम इंजरीज और रिहैब के दौरान हम लोग वहाँ पर मिलते हैं एंड हम लोग जो सोचते हैं बिल्कुल अपोजिट है, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं एंड आपको एज ए मेल काउंटर पार्ट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सेम रिस्पेक्ट हम लोगों को मिलता है, हम भी उनको उतने रिस्पेक्ट देते हैं एंड डेफिनेटली वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग क्रिकेट. सो इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़ या सहवाग और इरफान या मोहम्मद शमी जो भी रहा वहाँ पे, जब जब मैं गई उस टाइम जो रहा सब ने, जाहिर खान, जितने भी लोगों से मैं मिली बात की क्रिकेट से लेके बात की एंड उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूछा हम लोगों के क्रिकेट के ऊपर क्योंकि उनको बहुत शौक है वुमेन्स क्रिकेट को, ये मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या लड़कियां कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्या फैसिलिटीज आपको मिल रहा है. सो ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सुनना चाहता है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के मैचेस रेगुलर टेलीवाइज नहीं होता, बोल को लोग देख नहीं पाते. सो जितना भी डिस्कशन होता है वहाँ पे सारे डिटेल्स वो लोग हम लोगों से ले लेते हैं. पूनम, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप मुंबई में रही हैं जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा फ्रीडम से जीती हैं, तो लेकिन तभी आपको कभी ऐसा फील हुआ कि क्रिकेटर होने की वजह से कोई ऐसे करता है, बोलता है कुछ? कभी ऐसे हुआ नहीं, लेकिन जब मैं खेलती थी काफ़ी अच्छा खेल लेती थी क्योंकि ऑब्वियस मुझे कोई नहीं बोलता था, लेकिन और जब आप गली में लड़कों के साथ खेलती थी है ना. हाँ, तभी मैचेस खेलती थी लेकिन अच्छा खेल लेती थी तो कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन जब मैं नेट्स में खेलती थी बॉयज़ को तो बॉयज़ एक दूसरे को चिढ़ाते थे कि क्या तुझे लड़की ने मारा, तो ऐसे करके उनमें ही स्लेजिंग होती रहती थी. सो मैंने कभी वो चीज़ फेस नहीं करी, ये अच्छा रहा है मेरे साथ. एक एक सवाल ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ से, प्लीज़ माइक दे दीजिए. हाँ, मेरा नाम इसबाई कुरैशी है, मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था. फाइनल मैच जब मैं देख रहा था मिताली, 9 रन बचे थे, तो मैंने अपने दांत नाखून नोच लिए, मैंने अपनी सीट तोड़ दी थी. आप इतनी कूल काम ऐसी थी, मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगा फॉर ए मिनट गुस्सा भी आया कि आप ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हार से बड़े खुश हैं, कंटेंटेड हैं, आप इतनी कूल कैसे रह पाती हैं? कैप्टन कूल. मेरी नेचर ही ऐसी है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो मेरी मैं प्लेयर्स को भी इतना गुस्सा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे को पता है क्योंकि जब आप खेल रहे हो, जब मैच खेल रहे हो, जब आप अपना स्किल एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लेयर्स को और अपने आप को कंपोज रहें, क्योंकि उसी जोन में आप उनसे बेस्ट ले सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं और सही भी सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. अगर हम नर्वस हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, देन यू आर यूजिंग योर एनर्जी फॉर अ रॉन्ग पर्पस. एंड ऑब्वियसली जब 9 रन से हारे हैं, इट हर्ट एवरीबडी एज मच एज इट हर्ट मी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि क्रिकेट इज़ नॉट लाइफ टू मी, आई नो देर इज़ लाइफ बियॉन्ड क्रिकेट, इट्स अ स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे, हार जीत होती है, यू विल हैव टू डिटैच योर सेल्फ एंड एनालाइज एंड मूव ऑन एज अ प्लेयर, क्योंकि उसी में ग्रोथ है. एक सवाल, झूलन, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता किसको है वैसे टीम में? हरमन को आती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर चीज़ उसके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए एंड अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उसका इमीडिएट उसके शक्ल से पता चल जाता है. बिल्कुल. एंड मिताली, हाँ, मिताली गुस्सा करती है सिर्फ कुछ लोगों के सामने और वो भी आई टू आई कॉन्टैक्ट्स, टीम मीटिंग्स लेती है जब, बस अगर कोई सामने बैठ गए बस उसके लास्ट डे है वो. चलिए, स्कूल टीचर, हाँ, टिपिकल स्कूल टीचर की तरह बात करेगी एंड उसके तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता जो सामने रहते हैं. सो आई फेस दैट, सो आई नो, बट वन थिंग उसके साथ ऐड करती हूँ, मैं इतना कूल काम लड़की मैं नहीं देखा, क्योंकि हर चीज़ में अपने आप को बहुत अच्छा तरीका से वो हैंडल करती है. एंड उनकी बस में हम लोग डांस करते हैं, मस्ती कर रहे हो, अकेली एक कोने में अपनी किताब लेके बैठी है, पता नहीं क्या पढ़ रहे, उतना शोर मच रहा है बस में, गाना चल रहा है, कुछ भी हो रहा है,
बट वो अपने जोन से बाहर कभी नहीं आती है. सो मिताली, आपको हमने रूमी की किताब पढ़ते हुए देखा है और वो तस्वीर आपकी बहुत पॉपुलर भी हुई सब जगह. पहले से पढ़ती होंगी लेकिन इस बार सबको पता है कि आप रूमी पढ़ती हैं. और जब बैटिंग आ रही है जस्ट उससे पहले, ये कैसे होता है? जैसे आपने कहा कि मैं बहुत पहले से पढ़ती हूँ, इस बार लाइव आ गया तो शायद लोगों को ये अलग लगा होगा कि कोई प्लेयर बुक लेके पढ़ रहा है. पर मैं बुक इसलिए पढ़ती हूँ, एक तो क्योंकि उस वक्त 90s में हम लोग ट्रेन से बहुत ट्रैवल किया है तो बहुत टाइम होती थी हमारे पास. एक उस दैट इज़ रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग. एंड ऐसे भी फेस आया जब मैं पैडअप होके वेट करती थी जब मेरी चांस आए, तो बहुत बोर हो जाती हूँ कि कभी कभार ओपनर्स 30-40 ओवर बैटिंग कर देते तो फर्स्ट ओवर से पैडअप करके बैठी हूँ. तो मैंने सोचा कि ये टाइम अगर मैं इसको कैसे प्रोडक्टिव करूँ, कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बात करती हूँ लेकिन इतना भी नहीं करती कि उतने देर बात करूँ. तो मैंने सोचा बुक लेकर आती तो शायद ये टाइम मैं अपने आप पे अच्छा इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो दैट इज़ हाउ इट्स बिकम अ हैबिट. और जब मैच बहुत ही क्लोज होती है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होता है तो प्री कंसीव नोशन यूजुअली हो जाता है कि आप ओवर एनालाइज करेंगे कि अच्छा ठीक है वो स्ट्रगल हो रही है या बॉलर बहुत अच्छा डाल रहा है. तो बाहर बैठ के एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाती है. तो इससे अच्छा आप यू नो, अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो जब मैं अंदर जाती हूँ तो मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से स्टडी कर सकती हूँ और अपने बेस्ट एबिलिटी से खेल सकती हूँ, ना कि पहले से ही मैं सोच के जाऊँ अंदर कि मैं ऐसे खेलूँगी. क्योंकि यूजुअली स्पोर्ट्स इज समथिंग इज़ वेरी अनसर्टेन और इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग कि आपको उस वक्त कैसे खेलना है, कैसे सिचुएशन एनालाइज करना है, ना कि आप प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि सिचुएशन आपके प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं मिलती है. बिल्कुल, कोई भी चीज़ आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से वो ज़रूरी नहीं है. लेकिन आज जो हमारी बातचीत रही बहुत शानदार रही, आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे हम सबकी तरफ से और उम्मीद करेंगे कि एक ICC का खिताब आपके हाथों में हो, ट्रॉफी आप उठाएं और वापस लौटें. बहुत शुक्रिया.